हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे सादा ब्लाउज, जिसके हम पहले ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। उसे आप टक्स ब्लाउज भी कह सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखिए मैंने एक पेपर लिया है, चेस्ट फॉर एग्जांपल, चेस्ट 33 है। अगर आप ब्लाउज से डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे हो तो 33 ही लीजिएगा, अगर आप बॉडी से ले रहे हो तो आपको उसमें प्लस 3 करना होगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 18। 36 डिवाइडेड 2 तो आपका आंसर होता है 18। और कमर लंबाई आपको पता ही है, वो हमेशा 14 होता है, ठीक है। तो अब हमें इसी मेजरमेंट से बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहां से हमें 18 ले लेना है पहले, और ये हमारी पहले हमें 18, चेस्ट हमारा 18 हमने लिया है, कमर लंबाई 14 है, तो हमें 14 लेना है यहां से यहां तक। इसको हम पहले जोड़ लेते हैं अच्छे से, तो ये देखिए ये हमारा 18 और ये हमारा 14, ठीक है। ये हमारी कमर लंबाई है और ये हमने चेस्ट के मेजरमेंट से किया है। तो हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है 18 को, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारा आता है, तो हमारा 3 आएगा। तो हमें 3 के मेजरमेंट से लेना है, देखिए 3 लेते हुए हमें, यहां से भी ले लेंगे, हमें इसे जोड़ना, ठीक है। यहां से ये हमारा, अब हमें से हमारी कमर लंबाई 14, उसका हाफ करेंगे 7 आएगा। फिर हमें 7 का आधा करना है, ठीक है, तो 3.5 आएगा। 3.5 का आधा करना है, तो 3.5 का आधा करेंगे तो 2 में 2 कम, ठीक है, मतलब 2 में 2 कम आएगा, 2 लाइन। उसके बाद उसका भी आधा करना है, तो 1 में 1 कम। सेम यही मेजरमेंट यहाँ लेते हुए, 7.5, 3.5, 2 में 2 कम, 1 में 1 कम। इसे हम जोड़ लेते हैं पहले, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देखिए ये जो हमारा सेकंड ब्लॉक है, ठीक है, यहां से हमें 1 इंचेस, ठीक है, 1 इंचेस कम कर लेना है, यहां से भी 1 इंचेस अंदर लेते हुए। ये हमारा सेकंड और ये फिफ्थ, ठीक है। तो इसने हमें 1 इंचेस यहां से लिया, मैंने 1 इंचेस यहां से कम कर लिया। फिर ये जो हमारा है यहां, हमें 1/2 इंचेस, ठीक है, 1/2 इंचेस, ये 1 इंचेस और ये 1 इंचेस, हमें इसे जोड़ लेना है। तो इसे जोड़ने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ से 1.4, मतलब जो मैं इसको आपको इसमें दिखाती हूँ, मतलब 1.4 मतलब 1 और ये 2 लाइन, ठीक है, यहाँ तक। तो हमें इसमें सेम ऐसे ही करना है, 2 लाइन यहाँ तक आता है, और इस साइड हमें 1.5 इंचेस, मतलब 1.5। अब इसे हमें जोड़ लेना है कर्व से देते हुए, तो ये देखिए इसे हम डार्क कर लेते हैं। ये हमें ऊपर का ले लेना है, यहां से लेना है, ठीक है, यहां से। फिर हम जब मेजरमेंट लेंगे यहाँ से हमारा पीछे का गला आएगा, तो एक मेजरमेंट देख लेते हैं यहाँ से, ये हमारा पीछे का गला, ये हमारा आगे गला। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट है और ये बैक है, तो ये जो हमारा बैक होता है इसे हमें 2.5 या 2 या 2.5 इंचेस हमारा ये
नीचे लेते हुए, तो देखिए मैं ढाई लेती हूँ, बाकी हमारा टक्स जाता है यहाँ से हाफ इंचेस, ये लाइन जो है यहाँ से देखिए हाफ इंचेस यहाँ एंड हाफ इंचेस यहाँ, इसे हम ऐसे इसमें जोड़ लेते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ से हमारा हाफ इंचेस, सेम नीचे से भी हाफ इंचेस ले लेते हैं। यहाँ से हम देखिए हमारा यहाँ तक दो में, सॉरी एक में दो सूत कर, ठीक है, यहाँ तक यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, ठीक है, एक में दो सूत कर। इसे हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये बैक रेडी है। लेकिन इसमें हमें मेजरमेंट लेना होगा, ये हमारा कितना आ रहा है देखिए 13.5 के आसपास आ रहा है। तो अगर हमें बैक का अगर हमें 40 लेना है, तो नीचे से हम इतना बढ़ा लेंगे इसे, और इसको सेम इसे नीचे लेते हुए ऐसे इसमें हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारा रेडियो, तो ये देखिए हमें यहाँ से अगर ये 8.5 पे लेते हुए यहाँ से हाफ इंचेस, ये हाफ इंचेस, फिर यहाँ हाफ इंचेस, इसे हम जोड़ लेंगे यहाँ से हाफ इंचेस एंड यहाँ से इसे हम गोल कर लेते हैं, इसे हम बस्ट कहते हैं, ठीक है, बस्ट। इसके बाद 11, इसे हम योक कहते हैं, ठीक है, और लास्ट हमारा होता है फुल लंबाई, आपको जितनी लंबाई चाहिए होता है। अगर ये मेरा 15 समझ लेते हैं, आगे की लंबाई 15 है, तो इसे हम 15 पे सीधे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से इसे हम जोड़ लेते हैं। ये जो हमारा योक है, इसे हमें यहाँ से सीधे लेते हुए, यहाँ से सीधे लेते हुए, फिर यहाँ से हमें 1 इंचेस ऊपर करते हुए इसे यहाँ से हम एक सेप दे देंगे, ये देखिए, और यहाँ से हमें हाफ इंचेस अंदर करना है, हाफ इंचेस ऐसे। और जो हमारा बस्ट था ये, इसे हम सीधी लाइन ले लेते हैं हाफ इंचेस पे यहाँ भी, फिर यहाँ से हमें 1 इंचेस तक, ये 1 इंचेस, और यहाँ से भी 1 इंचेस, इस दोनों को हमें इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट, अब हमें यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से टक्स लगाने हैं। इसके लिए हमें यहाँ से सीधी लाइन लेते हुए, ये देखिए ऐसे, यहाँ से हमें पाव मतलब इंच टाइप से देख ले तो हमारा 2 लाइन, ये देखिए 2 लाइन, ठीक है, इसे हम पाव बोलते हैं। यहाँ से हमें 2 लाइन और यहाँ से 2 लाइन, तो मैंने ले लिया, इसे हम इसमें जोड़ लेंगे, तो इधर हमारा 1/4 एक साइड। सेम हमें ये जो हमारा लाइन था इसमें, इसे हमें यहाँ से जोड़ लेना है, सेम यहाँ से भी हमें पाव, यहाँ से ऐसे रहते हुए पाव, यहाँ से 2 लाइन, और देखिए यहाँ से 2 लाइन, इसे भी हम इसमें यहाँ से जोड़ लेंगे। और जो ये हमारा इस साइड का होता है, यहाँ से हमें ऊपर से 3-4 इंचेस नीचे लेना है पहले, ये देखिए मैं ले लेती हूँ 4 तक, 3-4, तो ये देखिए ये मेरा इधर 4 तक आ रहा है, इसे पहले हम इसमें अटैच कर लेते हैं। अब इसके हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है, मतलब हमारी जो ये पीछे की हमारी ये कितनी थी 14 थी, ठीक है, और ये हमारा इसकी लंबाई ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 है, ठीक है, तो अगर हमारा 15-14 करना पड़ेगा, तो ये हमारे 1 इंचेस एक्स्ट्रा आ रही है, तो 1 इंचेस एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं यहाँ हाफ हाफ लूँगी कि ये पूरा हमारा कवर हो जाए, ठीक है, हाफ हाफ। अगर यही यहाँ हमारा 2 इंचेस, अगर सपोज अगर यहाँ 2 इंचेस गैप होता दोनों में, तो हमें यहाँ 1 इंचेस और यहाँ 1 इंचेस लेना पड़ता, ठीक है, तो ये हमारा 1 इंचेस आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ हाफ एंड यहाँ हाफ ले लिया मैंने, इसे हमें देखिए इसमें इसे जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमारी पूरी कवर मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो हमें कैसे कट करना है इसे, यहाँ से देखिए ऐसे कट करना है, तो ये हमारी ड्राफ्टिंग थी, यहाँ से हमें एक कट करना पड़ेगा, फिर ये सीधे ऐसे रहते हुए ये कट करना है, और देखिए पीछे का ऐसे। तो ये रहा आज का हमारा ड्राफ्टिंग, अब हमें यही पेपर पे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सेम यही इस पे हम कट करते हैं।
सबसे पहले हमें ये पेपर लेना है, पेपर को हम इतना फोल्ड कर लेते हैं। स्केल और ये इंच टेप, तो इसके हिसाब से हम पहले इस पर कटिंग कर लेते हैं पेपर को, ठीक है। तो यही सेम हमें यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 33 प्लस 18 हमारा आया था, प्लस 3 डिवाइडेड टू 18, तो ये हम पहले 18 ले लेते हैं। तो यहाँ से ये लेते हुए देखिए यहाँ तक हमारा 18 है, और इसका हमें लंबाई कितनी थी 40, कमर लंबाई 14 यहाँ तक आ रहा है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं पहले, हमें इसके 6 पार्ट करने हैं, तो 18 का 6 पार्ट 3 आता है, तो इसे हम 3 पे ये देखिए 3 इंच पे, यहाँ देखिए इसे हम जोड़ लेते हैं। अभी हमें इसका हाफ करना है, कमर लंबाई का हाफ, तो 14 का हाफ 7, ये हमारा 7 यहाँ ने ले लिया, 7 का आधा 3.5, एंड 3.5 का आधा 2 में 2 कम, इसका आधा 1 में 1 कम, ये देखिए 2 में 2 कम। सेम यहाँ से भी हम सेम मेजरमेंट पे कर लेते हैं, 14 का आधा 7, 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 2 में 2 कम, एंड उसका आधा 1 में 1 कम। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ से मैंने थर्ड और फोर्थ में लाइन ड्रॉ किया था, और ये मैंने कर्व शेप दिया, सेम ये जो हमारे जो हमने पेपर में बनाया था सेम वैसे ही मैंने ये किया है। अब देखिए नीचे से मैं आधे इंच 1 में 1 कम, और उस साइड से भी 1 में 1 कम, इसे हम जोड़ लेते हैं। अब हमें इसे शेप देना है, कर्व शेप देते हुए, सेम यहाँ से भी ये हमारा फ्रंट है और वो हमारा बैक है। तो हमें यहाँ से 2.5 या 3 इंचेस छोड़ते हुए, मैं 2.5 छोड़ रही हूँ, यहाँ से 1/2 इंचेस इस साइड से, एंड 1/2 इंचेस यहाँ से, इसे हम जोड़ लेते हैं। तो अब हम इसकी बैक की लंबाई लेंगे, हमें 14 चाहिए, 14 देखिए यहाँ तक आ रहा है, अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा बैक रेडी हो चुका है, हमें फ्रंट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें बस लेना है, तो बस आपको याद होगा 8:30 पे था हमारा जो मेजरमेंट में लिया था हमने, 8:30 पे, फिर 11 पे लिया, एंड पूरी लंबाई जो हमारी थी वो 15, तो बस्ट योक और लंबाई, ठीक है। तो इसे हम पहले जोड़ लेते हैं, देखिए ऐसे ही करना है। अब हमें जो हमारा बस्ट था उसे हम कंप्लीट करेंगे, देखिए इसे बस्ट कहते हैं, ये योक और ये लंबाई। तो यहाँ से हमें आधे इंचेस लेते हुए, फिर आधा इंचेस इसे हम सीधी लाइन ले लेते हैं, फिर ऊपर से आधे इंचेस, यहाँ से आधे इंचेस इसे गोल कर लेते हैं, सर्कल शेप, फिर ये जो हमारा योक था उसे हम सीधी लाइन पहले खींच लेते हैं अच्छे से। फिर देखिए यहाँ से हमें 1 इंचेस ऊपर करते हुए इसे हमें यहाँ से ऐसे शेप देना है, ठीक है। एंड ये ऊपर से यहाँ जहाँ हमारा गला है वहाँ से 1/2 इंचेस लेते हुए ये हमें इसमें योक में जोड़ लेना है, जैसे मैंने किया है। यहाँ से हमें 1/2 इंचेस लेते हुए इसे हमें जोड़ लेना है, फिर यहाँ देखिए इधर से 1 इंचेस, फिर यहाँ से 1 इंचेस हमारे टक्स के लिए यहाँ से हमें जोड़ लेना है। हमारी टक्स बाकी रह गई है, तीनों तरफ से हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ का देख लेते हैं, सीधी लाइन खींचते हुए यहाँ से हमें पाव, यहाँ से पाव और यहाँ से पाव, पाव मतलब 2 लाइन, ठीक है।
दो लाइन, एक साइड से दूसरी लाइन, एक साइड से दो लाइन, इसे हम जोड़ लेते हैं। एंड अब हमें यहाँ से करना है सेम वही है, यहाँ लाइन ऐसे लेते हुए ऊपर साइड से पाव इंचेस, पाव तो पाव मतलब टू लाइन, ठीक है, दो लाइन जो इंच टेप में है इन, इसे भी जोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ से टू या थ्री इंचेस, थ्री इंचेस में थ्री टू फोर इंचेस लेना है, तो मैंने थ्री इंचेस लिया है, इसे हम सीधी लाइन ले लेते हैं पहले। एंड अब देखिए यहाँ से हमें कैसे मेज़र करना है, ये हमारा 14 है और बैक का हमारा 14 है और फ्रंट का 15 है, तो 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ हाफ लिया है और इस साइड हाफ लिया है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये देखिए ये हमारा फ्रंट और ये वाला बैक, तो हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमसे कट करना है, देखिए कैसे कट करना है, इसे यहाँ से ये, चलिए मैं आपको कट करके बता देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने कट कर लिया है। ओके बाय बाय, मीट नेक्स्ट टाइम।